हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्मंस ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम साइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ नलबारी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही बढ़िया प्लेनेटेरियम गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने डेवलप किए हैं, तो उसी को हम लोग देखेंगे कैसा है क्या है। वीडियो के थ्रू हम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में टिल द एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेनेटेरियन कम साइंस सेंटर नलबारी आसाम, ये जो प्रोजेक्ट है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने कंप्लीट करके दिए हैं। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम और एक्सपेक्टेड टू बी इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम वेरी सुन। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेरी सुन इसको लॉन्च किया जाएगा और आप लोग जल्दी ही यहाँ आपके बच्चे लोगों को लेके, स्टूडेंट लोगों को लेके, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये सेंटर विजिट कर सकोगे। बहुत ही सुंदर सा एक सेंटर बनाए हैं जो कि आसाम का कैपिटल सिटी गुवाहाटी में भी है ये सेंटर प्लेनेटेरियम, लेकिन यहाँ जो सेंटर बनाया है ये कई गुना बड़ा है। और ये सरियातोली नाम से एक विलेज है नलबारी डिस्ट्रिक्ट में जो कि गुवाहाटी से 60 किलोमीटर के दूरी पर है टुवर्ड्स वेस्ट। और ये नलबारी डिस्ट्रिक्ट का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है, वो ऑफिस को लग के ही है और नेशनल हाईवे के पास ही है सरियातोली विलेज। तो यहाँ आप लोग आइएगा, हम लोग उम्मीद करते हैं वेरी सुन ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम इसको इनॉग्रेट करेगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र रखना है हम लोगों को और आज हम ये वीडियो के थ्रू थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। बेसिकली द प्लेनेटेरियम होस्ट अ डेली शो एम्ड एट एक्सपेंडिंग नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, physics and mathematics amongst the students and science lovers. There are different sections in this Vigyan Bhavan where you can get information related to separate branches of science. A worthwhile place to visit with family and friends. So, आइए आगे बढ़ते हैं। जो इंसर्स है यहाँ का वो फिलहाल आए हैं और इन्होंने हमको वेलकम किए हैं। अपना भाल नाम तो उपेश भट्ट। ভূপেশ ভট্ট তেখেতে আহিলে। যিয়ে নহওক বাৰু, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, আপুনি আমাক ওয়েলকাম কৰিছে। কি আমি আমাৰ যিটো ইমান ধুনীয়া এটা এছেট গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াতে এষ্টাব্লিছ কৰিছে নলবাৰী তাৰকা গৃহ, উই আৰ ট্ৰাইং টু এক্সপ্ল'ৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এছেট, পুৰা দুনিয়া মে দিখা নেকি কোচিছ কৰ ৰহে হে। আৰু ইয়ে হাম লোগোঁ কে লিয়ে এক প্ৰাউড ফিল হোতা হে কি হামাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট মে জো নলবাৰী ইয়াহাঁ ভি ইতনা বঢ়িয়া এক এছেট ডেভেলপ কিয়ে হে। हम लोग आप लोगों को लेके चलेंगे अंदर में, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बर्मन्स ब्लॉग का वीडियो अगर आप नए से वॉच कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ इंडियन स्पेस क्वेस्ट, तो ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया से डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ का जो इंसर्ज है भत्ते साहब जो हमने बात किए हैं, तो वो चाबी लेने गए हैं, अभी आएगा और अंदर का चीज़ें हमको दिखाएगा, हमने रिक्वेस्ट किए हैं। एक पूरा सराउंडिंग दिखा देते हैं पूरा प्लेनेटेरियम का। गुवाहाटी में हम लोगों का ये प्लेनेटेरियम है लेकिन गुवाहाटी से भी ज़्यादा बड़ा है ये प्लेनेटेरियम, तो इसीलिए नलबारी डिस्ट्रिक्ट का लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इन लोगों को इतना बढ़िया एक एसेट यहाँ मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा। तो जैसे ही ये इनॉग्रेट हो जाता है हम सभी लोगों को वेलकम करते हैं, बच्चे लोगों को लेके आने के लिए हम लोग आप लोगों को स्वागत करते हैं नलबारी डिस्ट्रिक्ट में। अभी इनॉग्रेशन के पहले ही इतना सुंदर एक मतलब एनवायरनमेंट यहाँ दिखने को मिल रहा है। आप लोग सोच लीजिए कि इनॉग्रेशन होने के बाद कैसा लगेगा। और ये प्लेनेटेरियम नॉर्थ की तरफ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि नाबार्ड के थ्रू चल रहा है और ये यूको बैंक के साथ एसोसिएट करके ये प्रोग्राम चला रहे हैं। ये सभी क्वार्टर वगैरह भी दिए हैं स्टाफ लोगों के लिए और सराउंडिंग देखिए पूरा ग्रीनरी एनवायरनमेंट है, पूरा इको फ्रेंडली, ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन, वाह बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में।
नलबारी डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी से बिल्कुल 60 किलोमीटर दूरी पर है। गुवाहाटी से आपको वेस्ट की तरफ आना पड़ेगा, नॉर्थ होकर वेस्ट की तरफ आना पड़ेगा। और ये नलबारी डिस्ट्रिक्ट श्री कृष्णा का रास मेला से पॉपुलर है, हरि मंदिर करके है। आप लोग अगर गूगल विकिपीडिया में सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, हरि मंदिर नलबारी सर्च करिए, पता चल जाएगा। ये नवंबर महीने में होता है, बहुत रश होता है, लोग भर जाते हैं पूरा, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये रास मेला देखने के लिए। तो थोड़ा सा समय मिल गया तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बता दिए हैं। এইটো ইনাগুরেশনৰটো এটা সাগে টেন্টেটিভ ডেট ফিক্স কৰিছে নহয় জানো? ডেটটো ফিক্স কৰা নাই, ডেটটো কেতিয়া হয় এতিয়া এনে ফেব্রুয়ারি ছোৱা কথা আছিল, ফেব্রুয়ারি ছোৱা নাই। মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, একচুৱেলি ইট ইজ আনফৰ্চুনেট ডেট কিছুমান মানে কনফিডেঞ্চিয়েল হেৰিৰ কাৰণে ভিতৰত অপাৰেট এখেতসকলে এতিয়া কৰিব নোৱাৰিব। বাট বেচিক কি কি চিজে আছে ইয়াতে, চবি যো চিজে হে অলৰেডি এষ্টাব্লিছ চবি চিজে হো গয়ে হে, সিৰ্ফ ইচকো ইনাগুৰেট কৰা বাকী হে, চিফ মিনিষ্টাৰ কে দ্বাৰা ইয়ে ইনাগুৰেট কিয়া যায়গা। তো কি কি ফেচিলিটিজ আছে এই ভট্ট চাহেবে কৈ দিব। এনে চিয়াৰ গোটেই ফিটিং হৈছে, মেচিনটো ফিটিং হৈছে, সেইখিনি খালি বাকী আছে, ইনগ্ৰেশ্যন কৰাটো বাকী আছে। অভাৰঅল আমি এইটোৱে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, কাৰণ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক আমি এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম, এইটো কনফিডেঞ্চিয়েল হয়, বিকজ দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় যদি এইটো ইনাগুৰেশ্যন হৈ গ'ল হয়, যিহেতু ইনাগুৰেশ্যন হোৱা নাই তো এইটো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে যাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ভিতৰত দেখাই দিব নোৱাৰিম। টিকেট মানে 50 টকা আৰু 30 টকা হ'ব, মানে জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে 50 টকা আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 30 টকা হ'ব, 30 ৰুপিজ। তো ষ্টুডেণ্ট কে লিয়ে 30 ৰুপিজ ৰহেগা আৰু জেনেৰেল পাব্লিক হ'গা তো 50 ৰুপিজ ৰহেগা টিকেট। আৰু এইটোতো গোটেইটো একদম ফুল্লি এচি হেৰি, অ এচি ফিটিং আছে। এইটো গুৱাহাটীৰ যিটো প্লেনেটৰিয়াম আছে তাতকৈ ডাঙৰ? অ ডাঙৰ। অ কিমান গুণে ডাঙৰ? এটো এনে নবিখা আছে টোটেল এরিয়াটো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ধরক যত ডিসপ্লে সিসপ্লে আছে মানে আপনাদের সেইখিনি ঠিক গম না পাও কিমান আছে, মানে টোটেল এরিয়াটোর কথা কইছে, গুয়াহাটি কই ডাঙর আর গুয়াহাটি কই ডাঙর। এনেকুয়া অ্যাসেট বিলাক হওয়াতো জরুরি, এতিয়া আমার নলবাড়ি ডিস্ট্রিক্টত এইখিনি হইছে আর ইয়ারে মানুখিনি এটা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটও হব নহয় জানো, এই আপোনাৰ এই প্লেনেটেৰিয়ামক বেস কৰি ইয়াতে ওচৰে পাজৰে মানুহে যিখিনি আছে আনএমপ্লয়েড ইউথ বা মানুহ আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ডেইলি ওয়েজেজৰ কাৰণে তেওঁলোকে বা নিজৰ দোকান চোকান কৰি তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, তো এইটো এটা ভাল কথা। লগতে ইয়াৰ এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এই জেগাখিনিৰ এটা উন্নতি হৈ যাব, এনভাইৰনমেণ্টটো মানে উন্নত হৈ যাব, মানুহেও ভাল পাব ইয়াতে আহি পেলাই, বা জেগাটোৰ বিষয়েও মানুহে জানিব। ভিলেজখনৰ নাম কি কৈছিলে? হৰিয়তলি ভিলেজ হয়, নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত। তো হ'ব, আমি আজিলৈ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম, কাৰণ আচল কথাখিনি কৈয়ে দিলোঁ, কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনচ থাকে যিটো আমি বিট্ৰেই বা ডিনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। তো সেইকাৰণে আমি নেক্সট ইনাগুৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম যেতিয়া ইনাগুৰেট কৰিব তাৰপিছত আমি অবভিয়াছলি এদিন আহিম আকৌ, আৰু ভিতৰৰ ফালেও আমি ধুনীয়াকৈ ৰাইজক দেখুৱাই দিম। ইনাগুৰেশ্যন কৰাৰ দিনাখন আহিম। থেংক ইউ ছ' মাছ ভট্ট চাহেবে আমাক ইনাগুৰেশ্যনৰ দিনাখনো ইনভাইটেশ্যন দিছে, তো যদি আমি পাৰোঁ বা এভেইলেবল থাকোঁ ইয়াত অবভিয়াছলি ইয়াতে আহিম আমি। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ভট্ট চাহেব, লগ পাই ভাল লাগিল আপোনাক।